और पौड़ी जिले के द्वारी खल ब्लॉक के गूम घड़ालू मोटर मार्ग पर एक मैक्स वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, जिसमें दो लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इसमें एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है, जबकि घायल व्यक्ति को राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र उपचार के लिए भर्ती कराया है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार वाहन अनियंत्रित होकर 500 मीटर गहरी खाई में जा गिरा है। घटना की जानकारी देते हुए जिला अधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने बताया कि दुर्घटना में मृत व्यक्ति के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, तो वहीं दूसरे घायल व्यक्ति को उपचार के लिए एम्स ऋषिकेश भेज दिया है, जहां पर उसका उपचार चल रहा है। घटना को लेकर संबंधित एसडीएम और तहसीलदार से मौके पर जाकर कार्रवाई की है। उन्होंने कहा कि तकनीकी रिपोर्ट को लेकर संबंधित एआरटीओ और एसडीएम से रिपोर्ट मांगी गई है। पौड़ी से भगवान सिंह की रिपोर्ट। जनकेश्वर क्षेत्र अंतर्गत जो है सिलोगी के पास में एक दुर्घटना हो गया वाहन का, उसमें दो लोग सवार थे। दोनों लोगों में से एक व्यक्ति का मौके पर ही मृत्यु होना संज्ञान में आया है। उसके उनके शव को खोजबीन करते हुए पोस्टमार्टम के लिए प्रेषित किया गया है, और जो दूसरे घायल व्यक्ति थे उनको गंभीर चोट होने के कारण एम्स ऋषिकेश में दाखिल कराया गया था। वर्तमान में उनकी स्थिति जो है समाधान कारक है और उपचाराधीन है।